हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो है वाटर पंप को कनेक्शन देना है तो कैसे देना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, देखिए आप ध्यान से। यह है सर्विस केबल 6 mm का, ठीक है दोस्तों। और हम लोग एक वाटर पंप को कनेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। MCB है और डबल पोल की स्विच है, DP स्विच बोलते हैं, DP स्विच है और सर्विस केबल है। और ये देखिए पाइप फिटर लोग पाइप फिट कर रहे हैं। और इधर नीचे है, ये है मोटर। मोटर इन लोग घर के अंदर ही रखा है, बाद में इन लोग बोल रहे कि बाहर करेंगे, तो अभी टेम्परली वायरिंग हम लोग करने वाले हैं इस पर। तो देखिए, ये है MCB बिठाया हमने और MCB का कनेक्शन इनपुट और आउटपुट दोनों दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ठीक इसी MCB के नीचे ही बैठेगा DP स्विच, और इसी DP स्विच के थ्रू ही मोटर को ऑन ऑफ किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप ज़रूर ना करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो स्किप करके ही बनाया हूँ और आपके लिए बनाया हूँ, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना हो, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से ये कनेक्शन किया जाता है या फिर आप करेंगे। तो ये है नीचे DP स्विच, जिसके थ्रू ऑपन करने से मोटर ऑन ऑफ होगा, मोटर चालू होगा बंद होगा इसी स्विच के थ्रू। तो ऊपर MCB है, MCB के थ्रू ही इस स्विच में आएगा और इस स्विच के थ्रू मोटर तक कनेक्शन जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों ये देख रहे हो ऊपर जो हमने इनपुट डाला हुआ है, और नीचे से मोटर का वायर डाला हुआ है जो हुई आउटपुट है। तो कनेक्शन आपको देखिए ठीक से, रेड वायर को रेड राइट साइड में और ब्लैक वायर न्यूट्रल लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये देखिए ऊपर MCB और इसका वायर देखिए, यहाँ से हमने UPIN लगा के बाहर चला गया ये। और बाहर का मीटर का कनेक्शन भी आप दिखाएंगे हम अभी। ये देखिए मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं, और मोटर का लीड में देखिए 3 कलर का वायर है, ब्लैक रेड एंड येल्लो। तो येल्लो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाला वायर नहीं है, क्योंकि आपको समझना है येल्लो कलर वाला, येल्लो के जगह पे कोई दूसरा भी कलर हो सकता है। तो ये येल्लो दिया है बॉडी अर्थ के लिए, मोटर का जो बॉडी अर्थ होता है ना, उसी के लिए दिया जाता है। तो हम लोग कनेक्शन जोड़ेंगे जो स्विच के थ्रू आए हैं, फेज और न्यूट्रल, और मोटर का जो वायर है ब्लैक एंड रेड। ब्लैक रेड में हम न्यूट्रल जोड़ेंगे और रेड वाला फेज में जोड़ेंगे। तो कलर वाइज आप हमेशा वायर जोड़ें, और हाँ टेपिंग अच्छे से कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये जॉइंट जो होता है ना टेपिंग, ये हीटिंग के वजह से गर्म हो जाता है। तो ये देखिए हमने मेन केबल जो बाहर से मीटर से लेके आए थे, ये UPIN के सहारे हम लोग ऊपर छत के ऊपर बाहरी सेल्फ के ऊपर डाल दिया और ये नीचे उतार दिया। इसको देखिए ये मीटर में हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, वही मोटर वाला जो वायर है 6 mm का जो VTC केबल है वो वाला हम लोग इस मीटर बॉक्स में जो आउटपुट का साइड है उसी में हम लगा रहे हैं। और आपको भी आउटपुट साइड में ही लगाना है, क्योंकि इनपुट साइड में नहीं लगाना है, क्योंकि इनपुट में ये है गवर्नमेंट का सप्लाई है जो सीधा पोल से आ मीटर तक आता है, तो इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये वायर हमने इंस्टॉल कर लिया, देखिए स्विच के थ्रू। और स्विच ऑन करने के बाद देखिए काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्पीड से पानी निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो जान के देख के आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ताकि और भी आपके लिए नया वीडियो मैं ला सकूँ।